मैंने इसको जो है 5 अप्रैल को लगाया हुआ था और आज 19 मई है। 19 मई को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे 45 दिनों में ये रिज़ल्ट मिला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बगीचा में। दोस्तों, आप मेरे हाथों में ये जो देख रहे हैं, यह जो है हल्दी की बल्ब है और आज हम इस वीडियो में हल्दी को बल्ब से ग्रो करना सीखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा दोस्तों कि हम जो है इस हल्दी के बल्ब को कैसे जो है ग्रो करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको हल्दी की बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके आपके पास हल्दी का बल्ब नहीं है तो ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे, आप ये जो है कि कच्ची हल्दी के जो होते हैं बल्ब, अगर मार्केट में मिल जाए आपको छठ वगैरह या दिसंबर के समय में या फिर कहीं भी से भी कच्ची हल्दी के जो बल्ब अगर मिल जाते हैं ऐसे, तो अगर आप उसको लगाते हैं तो जो है कि ये बल्ब ग्रो करने लगेगी। और आज हम इसी बल्ब को ग्रो करा के दिखाएंगे आपको कि कैसे हल्दी की बल्ब ग्रो होती है। तो ये हल्दी के बल्ब की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। मैंने ये ग्रो बैग ले लिया है और इसमें पहले से ही मिट्टी थोड़ा सा भर लिया है, आधे में आधे ग्रो बैग को मैंने मिट्टी से भर लिया है ताकि वीडियो थोड़ा सा जल्दी बने। आप भी जो है ग्रो बैग की जगह आप कोई भी पोर्ट ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं या फिर ऐसा कोई भी पोर्ट ले सकते हैं जिसमें जो है कि इसको आसानी से ग्रो किया जा सके। आप चाहें तो सीडलिंग्स ट्रे भी ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रे जो है कि बड़ी होनी चाहिए, परफेक्ट रहेगा आपको। या तो गमले में ग्रो कीजिए या फिर जो है कि पॉलीथीन बैग में इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्या करते हैं कि आधी मिट्टी को भर लीजिएगा। भरने के बाद ये जो हल्दी के जो बल्ब देख रहे हैं आप, इस बल्ब को सिंपली आपको इसमें रख देना है ऐसे, इस तरीके से चारों तरफ जो देख रहे हैं, मैंने इस तरीके से हल्दी के बल्ब को इसमें रख दिया है, इस ग्रो बैग में। इसी तरीके से आप गमलों में भी या फिर पॉलीथीन बैग में भी अगर लगा रहे हैं तो पॉलीथीन बैग में भी इस हल्दी के बल्ब को रख दीजिएगा। और अब क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम इसमें मिट्टी भर देंगे। दोस्तों, मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार किया हुआ है। मिट्टी कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल गार्डन की सोयल है और थोड़ा सा गोबर की खाद इसमें मिक्स किया है। इस तरीके से जो है आप ऊपर से मिट्टी को भर दीजिएगा, हल्दी के जो है बल्ब को इसमें दबा दीजिएगा अच्छे से। और दबाने के बाद अब क्या करते हैं इसमें कि वाटरिंग कर देंगे हम अच्छे से। वाटरिंग इसमें बहुत अच्छे से कीजिएगा। वाटरिंग करते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसके जो बल्ब हैं वो बल्ब ऊपर ना दिखाई दे, यानी कि उसकी मिट्टी ना हटे। और इसमें इतना जो है कि वाटरिंग कीजिएगा कि इसके जो होल देख रहे हैं, अगर गमला है तो उसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर आने लगे, ग्रो बैग है तो पूरी अच्छी तरीके से उसकी मिट्टी गीली हो जाए। दोस्तों, इस तरीके से जो है आप वाटरिंग करके इसको जो है सेमी शेडी एरिया में रख दीजिएगा और इसकी जर्मिनेशन होने लगेगी। मिलते हैं दोस्तों इसके रिज़ल्ट के बाद कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, हल्दी के बल्ब कैसे निकलते हैं। दोस्तों, ये हल्दी के बल्ब जो है कि जर्मिनेट हो चुके हैं और ये 45 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो बैग में ग्रो कर रहे हैं। मैंने जो है कि 5 बल्ब्स लगाए हुए थे, जिसमें से एक ये और एक ये, 2 बल्ब जर्मिनेट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर आप, तो 1, 2 और यहाँ पे ये 3 बल्ब अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, जर्मिनेशन अभी इनकी बाकी है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी जर्मिनेशन देर से हो, लेकिन आएगी ज़रूर। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि आप इस गर्मी में आसानी से अपने घरों में ही ग्रो बैग में या फिर अपने गमलों में ही हल्दी के बल्ब्स को लगा सकते हैं और जर्मिनेशन पा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और ये वही ग्रो बैग है जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ था। मैंने इसकी वीडियो भी पोस्ट की हुई है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से ये सर्वाइव कर रहे हैं प्लांट्स। और मैंने शाम को जो है इसमें पानी डाला हुआ था, जिसकी वजह से इसकी जो है मिट्टी काफ़ी नम है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस गर्मी में जो है दोस्तों इस प्लांट को लगा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा,
और इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।